मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने परिवहन शुल्क को लेकर दिया मुख्यमंत्री को ज्ञापन। आपको बताते चलें कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की अवधि में परिवहन शुल्क प्राइवेट ट्रांसपोर्ट द्वारा लिए जाने के कारण उन्होंने आज इस पत्र को अवलोकन करने की कृपा करने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा कि परिवहन शुल्क लिए जाने से प्रमुख सचिव द्वारा एक आदेश पारित हुआ, जिसमें कि सभी स्कूलों में जो वाहन उनके ना होने के कारण उनके लिए इंडियन ट्रांसपोर्ट द्वारा स्कूलों बच्चे लाने ले जाने में व्यवस्था की गई। लॉकडाउन की अवधि में वाहन न चलने की स्थिति में केवल वाहन शुल्क का खर्चा ही बच सकता है। शेष खर्चे इसके वाहन की परमिट फीस, फिटनेस फीस, इंश्योरेंस फीस, वाहन के लोन की किस्त, रोड टैक्स, ड्राइवर का वेतन आदि, इसका खर्चा लगभग 75% 80% तक आता है। ऐसी स्थिति में यदि लॉकडाउन की अवधि में विभाग से परिवहन शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो इंडिपेंडेंस ट्रांसपोर्ट की स्थिति अत्यंत दयनीय हो सकती है, भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगी। वाहन मालिक लॉकडाउन की अवधि में कहीं और गाड़ी का संचालन नहीं कर सकते। उन्होंने अनुरोध किया कि हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले इस पे विचार करें कि मद्देनजर रखकर अभिभावक को निर्देशित करने की कृपा करेंगे, लॉकडाउन की अवधि में परिवहन शुल्क पूर्ण अदा कर 75% अदा करने का कष्ट करें। इसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन परमिट फीस, फिटनेस फीस, इंश्योरेंस, लोन की किस्त, रोड टैक्स एवं ड्राइवर का वेतन आदि ना पड़े। इंडिपेंडेंट स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष आज ज्ञापन देने आए, क्या पूरा मामला है? सर, ये हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी फीस को लेकर के एक मुद्दा है हम लोगों का, उसी के संबंध में हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अभी प्रमुख सचिव जी ने आदेश किया था, जिसके अंदर उसमें ट्रांसपोर्ट फीस को माफ़ करने के लिए बोला गया था कि ट्रांसपोर्ट फीस स्कूल नहीं लेंगे। तो उस संबंध में जो है, जो हम प्राइवेट संस्था के हैं, हमारी प्राइवेट एसोसिएशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 85% स्कूल्स में उनका खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं है। जितने भी ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं वो प्राइवेट चल रहे हैं, और जो आदेश हुआ है वो सिर्फ स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, तो वो हमारी समझ से हम पे लागू नहीं होता। लेकिन कुछ पेरेंट्स को भ्रम बन गया कि वो फीस नहीं देनी है, तो इसमें सिर्फ हमारे केवल एक ही मांग है कि जो मेंटेनेंस और फ्यूल है उसको, फ्यूल को छोड़ करके 75% 25% काट करके 70% हमें दिया जाए। और इससे जो है, जो इस समय जो ये कोविड-19 कोरोना की वजह से आज हमारा समाज, हमारा पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, इस संदर्भ में जितने हमारे कुछ पेरेंट्स जो हमारी इस आपदा में वो भी कुछ सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने हमें कहा भी कि आप परेशान ना होइए, वो हमें फीस देंगे, और उनका हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने हमारी बात को समझा और वो इस चीज़ के लिए एग्री हैं और वो देने को भी तैयार हैं, इस चीज़ का हम धन्यवाद करते हैं। आगे बस मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इसी संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा है, जो कि हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सीएम साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रमुख सचिव जी, उत्तर प्रदेश सरकार को हमने ये संबोधित किया है, ताकि वो भी हमारी इस बात को समझें।